तो दोस्तों, जैसा कि शनि के अलग अलग भावों की श्रृंखला चल रही है, आज हम बात करेंगे शनि के भाव नंबर 4, 5 और 6 के बारे में। तो अब ये समझते हैं कि शनि अगर अच्छे हैं तो आपके जीवन में क्या अच्छी चीजें देंगे, अगर शनि बुरे हैं तो आपके जीवन में क्या बुरा करेंगे। तो शनि चौथे भाव में, अब चौथे भाव में शनि अगर पॉजिटिव हो, यानी कि शनि कुंडली में आपके पॉजिटिव हों और आपके जीवन में अच्छे असर दे रहे हैं, तो उसके कुछ सिम्टम्स आपको मिलेंगे। सिम्टम्स यानी कि आपके जीवन में कुछ अच्छी चीज़ें होंगी, शनि से संबंधित होंगी। पहले तो क्या होगा कि आपको हो सकता है कि मकान वगैरह गिफ्ट में मिले। मकान वगैरह गिफ्ट में कैसे मिलेंगे? हो सकता है आपके कोई रिश्तेदार आपको ज़मीन जायदाद छोड़ के चले जाएँ, हो सकता है आपके माता पिता आपके लिए मकान और ज़मीन जायदाद इतनी बना के चले जाएँ कि आपको खरीदने की ज़रूरत ही ना पड़े। हाँ, ज़रूरत है, इन्वेस्टमेंट के लिए इंसान खरीदता है, पर रिहाइश के लिए या अपने परिवार को रखने के लिए ऐसे व्यक्तियों को ज़मीन खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इतनी बहुतायत होती है ऐसे लोगों के पास ज़मीन की। दूसरी तरफ कई लोगों को आपने देखा होगा, शराब पी तो शराब की बीमारियाँ कुछ ना कुछ लग गई, लीवर खराब, कहीं कुछ खराब। पर ऐसे व्यक्तियों को आपने देखा होगा कि कई लोग शराब पी पी कर बहुत अमीर हो गए, यानी कि उनको इस तरह से लगता है कि शराब से ही उनकी किस्मत जुड़ी हुई है, कि शराब पीना या फिर ड्रिंकिंग हैबिट जो होती हैं लिमिट में, अगर वो करते रहे तो उनका काम धंधा भी अच्छा चलता रहा, उनकी सेहत भी अच्छी रही। जैसे ही शराब छोड़ी, थोड़े धार्मिक हुए, तो समझो परेशानियां शुरू। तो ऐसे व्यक्तियों को शनि की मादक पदार्थ जो चीज़ें होती हैं वो काफ़ी फ़ायदा देती हैं, उनकी सेहत और काम धंधा फाइनेंशियल सभी चीज़ों में बढ़ोतरी का काम करती रहती हैं। ऐसे व्यक्तियों में एक हुनर होता है, हुनर किसी भी तरह का, एक जिसे कहते हैं इनबॉर्न कैपेबिलिटी, कोई ना कोई हुनर होता है। कई लोग हाथ के हुनरमंद होते हैं, कई लोग दिमागी हुनर के लोग काफ़ी तीव्र तेज दिमाग के होते हैं। तो ऐसे लोगों में एक अलग से एक ऐसे हुनर की काबिलियत होती है जिसके दम पर ये पैसा कमा लेते हैं। कई बार आपने देखा होगा कुछ काफ़ी अच्छे डिज़ाइनर होते हैं, काफ़ी अच्छे मैकेनिक्स होते हैं, काफ़ी अच्छी रिसर्च कर लेते हैं, कुछ ऐसा प्रोडक्ट, यूनिक प्रोडक्ट बनाने में माहिर होते हैं जिसकी काफ़ी वैल्यू होती है। कुछ हैंडीक्राफ्ट्स, कुछ एंटीक, इस तरह की चीज़ों का ये काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। और इसके अलावा आपने कई बार देखा होगा लोगों के शरीर पर बाल होते हैं, कई फिल्म स्टार भी ऐसे हैं जिनके शरीर पर बाल हैं, इन्होंने काफ़ी ऊँचाइयाँ और काफ़ी नेम फेम कमाया। काफ़ी लोगों के शरीर पर बाल होते हैं, पर ज़रूरी नहीं वो उनके लिए पॉजिटिव हों। पर शनि चार वालों के लिए, अगर शनि को इन्होंने अच्छा रखा हुआ है और शनि पर, शनि के बाल यानी कि छाती पर बाल, कंधों पर बाल, इस तरह से शरीर पर बाल हैं अंदर, तो ये काफ़ी लक फैक्टर का काम करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को रबी मदद मिलती है, यानी कि किस्मत, ऊपर वाला हमेशा इनकी चमकाता रहता है। 8 से 10 साल का एक ऐसा फेस आता है जीवन में इनके, जो इनको काफ़ी ऊँचाइयों पर लेकर जाता है। अब अगर हम भाग्य उदय की बात करें, ऐसे व्यक्तियों का शनि चार वालों के जो भाग्य की अगर वृद्धि होती है, तो वृद्धि होती है 36 साल से इनका एक ऐसा समय शुरू हो जाता है जो इनकी किस्मत को एक असली पकड़ दे देता है, एक जीवन में बढ़ने के मौके, रास्ते तलाशने में काफ़ी मदद कर देता है। चलिए अब हम बात करते हैं नेगेटिव इफेक्ट्स के। देखिए, हर सिक्के के दो पहलू हैं, इसी प्रकार से शनि देव पॉजिटिव या नेगेटिव आपके जीवन में असर देते हैं। शनि चौथे भाव में सबसे पहले तो अगर नेगेटिव है तो व्यक्ति के मानसिक लेवल पर काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल मचाते हैं, इंसान को नेगेटिविटी से भरते हैं, कहीं ना कहीं नीरस जीवन कर देते हैं, इंसान को जीवन में इच्छाओं की एक कमी महसूस होती है, इंसान की इच्छाएं मर सी जाती हैं। माता को कहीं ना कहीं सेहत की परेशानियां रहती हैं, या फिर ऐसे व्यक्ति की माता इसके जीवन में बहुत बड़ी परेशानियां लाती हैं, चाहे वो मैरिड लाइफ की परेशानियां खड़ी करवा दे, चाहे उसकी सेहत को परेशानियां रहती हों, इस वजह से ये खुद परेशान रहता है अपनी माता के स्वास्थ्य को लेके। इस तरह से इसके व्यक्ति के जीवन में ये हिस्सा जो होता है, एक माता का निर्मल जल, यानी कि निर्मल जल एक माता के समान है, वो निर्मल जल अब निर्मल नहीं रहता है, कहीं ना कहीं वो एक खराबी जल की उसकी मानसिकता, उसकी हेल्थ, उसके फाइनेंस सबको डिस्टर्ब करती है। कई बार आपने देखा होगा व्यक्ति सफ़र तो करते हैं पर दिन के सफ़र सही रहते हैं, रात का सफ़र किया तो कोई दुर्घटना, कोई नुकसान, किसी तरह की परेशानियां होती हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को खासकर रात के सफ़र जो हैं काफ़ी नुकसानदेह साबित होते हैं। रात में किया गया कोई काम, खासकर ज़मीन मकान कुछ बनाना, कंस्ट्रक्शन, वो परेशानी दे देता है, कहीं लेबर, किसी को दुर्घटना हो गई, कहीं दीवार गिर गई, कहीं पड़ोसी लड़ पड़े, कहीं कुछ, इस तरह की परेशानियां होती हैं। मकान बन गया
तो मकान बनने के बाद उस मकान में रहोगे जाके तो परेशानियां होंगी। कई बार आपने देखा होगा लोग कहीं घूमने जाते हैं, कहीं कुछ वाटर जहां पर प्लेइंग होती है, जहां पर लोग खेलते हैं, पानी में कुछ नहाते धोते हैं, डैम वगैरह में, तो ऐसे व्यक्तियों को पानी में डूबने का बहुत खतरा होता है। पानी से नहीं डूबे तो छाती की प्रॉब्लम, फेफड़ों की प्रॉब्लम, लोगों के फेफड़ों में पानी भर जाता है, इस तरह से ये प्रॉब्लम हेल्थ मेडिकली देती है। चलिए अब हम बात करते हैं शनि के भाव नंबर 5 के बारे में। शनि भाव नंबर 5 काफ़ी अच्छे भी हैं, काफ़ी ख़राब भी हैं। अगर अच्छे हैं तो वो क्या आपके जीवन में देंगे? सबसे पहले तो शनि को केतु के अनुसार देखा जाएगा। अगर मान लीजिए केतु आपकी कुंडली में शुभ है तो ऐसा व्यक्ति, शनि 5 वाला व्यक्ति, अपने परिवार के लिए सबसे बड़ा लक फैक्टर होगा, यानी कि परिवार की वृद्धि इसके जन्म होते ही शुरू हो जाएगी। कई बार माँ के गर्भ में आते ही बच्चा परिवार में खुशियाँ ले आता है, तो ये ऐसे व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा लकी साबित होते हैं। अगर केतु सपोर्टिव है, केतु पॉजिटिव है, तो शनि के रिजल्ट काफ़ी अच्छे आते हैं। और ऐसे व्यक्तियों के किस्मत जो जुड़ी होती है अपने बच्चों से जुड़ी होती है। आपने देखा होगा कई से लोग होते हैं कि हाँ बच्चा पैदा हुआ नहीं कि इंसान के दिन चमक गए, इंसान के बुरे दिन ख़त्म, अच्छे दिन शुरू। इसी तरीके से जैसे जैसे परिवार में बच्चे पैदा होते जाएंगे, वैसे वैसे ऐसा व्यक्ति दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्कियां करेगा। कई बार आपने देखे होंगे धर्म के देवता, अपने धर्म के लिए लड़ मरना, अपने धर्म को प्रचारित करना, अपने अंदर एक धार्मिक प्रवृत्ति बना के रखना, अपने ही जो कर्म है कर्मों से बंधा रहना, अपनी एक रीति रिवाजों को मानते रहना। अगर शनि 5वें घर में है, 11वां घर खाली है, तो ऐसे व्यक्ति को धर्म का देवता भी हम कह सकते हैं। बिजनेस में हर कोई सक्सेस नहीं हो सकता, पर 5वें शनि अगर पॉजिटिव हैं और ऐसे रिजल्ट उसको दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति बिजनेस में अगर है तो समझ लीजिए वैसे ही उसकी तरक्कियां हैं। अगर आप काम का सोच रहे हैं तो बिजनेस में जा सकते हैं, आँख बंद करके बहुत ही फायदे मिलेंगे। ऐसा व्यक्ति गांठ का पक्का होता है। गांठ का पक्का यानी कि किसी की बात समझाई तो उसको समझ कर उस पर अमल कर चलता है। कई लोग ऐसे होते हैं समझाने के बावजूद भी उल्टे काम करते हैं और नुकसान उठाते हैं। पर शनि 5वें वाले के लिए सबसे बढ़िया चीज़ ये होती है कि बड़े बुजुर्गों या किसी समझदार व्यक्ति की बात को अपने जहन में उतार के, अपने जीवन में उतार के वो आगे बढ़ता है और सक्सेस भी हासिल करता है। अब कई बार आपने देखा होगा लोग अचानक सक्सेस पा देते हैं, कुछ बढ़ोतरी उनके जीवन में आ जाती है, बड़े बड़े फायदे हो जाते हैं। अगर राहु पॉजिटिव है तो समझ लीजिए ऐसे व्यक्ति, ऐसे अचानक उसको फायदे होंगे, चाहे जमीन जायदाद, चाहे बिजनेस या कुछ भी। राहु महाराज के जीवन से जुड़े होने पर व्यक्ति तरक्कियां करेगा और अचानक तरक्कियां करेगा। अचानक से उसने देखा, पता लगा कि बिजनेस में बहुत फ़ायदा हो गया, चलो यहाँ इन्वेस्टमेंट कर दी, वहाँ इन्वेस्टमेंट कर दी, पैसे से पैसा बनना ऐसे व्यक्ति का शुरू हो जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं शनि महाराज 5वें में हैं और किसी को बुरे रिजल्ट मिल रहे हैं तो क्या मिलते हैं। सबसे पहला रिजल्ट तो यही होता है कि ऐसे व्यक्ति औलाद के सुखों से कहीं ना कहीं वंचित होते हैं। औलाद दुखी देने वाली होती है या नालायक होती है, और ऐसे केस में व्यक्ति अपनी औलाद पक्ष से एक जीवन में काफ़ी, जिसे कहते हैं कि ऐसा लगता है कि पिछले जन्मों का कोई ऐसा ऋण था जो औलाद बनकर ऐसी पैदा हो गई जो जीवन को, हमारी मानसिक शांतियों को डिस्टर्ब कर रही है। तो औलाद संबंधी कुछ ना कुछ दिक्कत होती है, बच्चे होते नहीं हैं या होकर कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, कोई एबनॉर्मलिटी होती है बच्चों में, कोई हेल्थ की प्रॉब्लम्स हो सकती है, बच्चों के जीवन में कोई कष्ट रह सकता है, उनके जीवन में संघर्ष रह सकता है, इस तरह से ये संघर्ष संबंधी प्रॉब्लम देता है। अगर खुद की हेल्थ की बात करें तो व्यक्ति के डाइजेशन संबंधी, हाजमे संबंधी प्रॉब्लम आती है, महिलाओं में कहीं ना कहीं गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम लेकर आता है 5वां शनि। शरीर पर अगर बाल हैं तो किस्मत भी मंद होती है, किस्मत भी खराब होती है, औलाद के सुखों से वंचित होना जीवन में ये तय हो जाता है शनि 5वें के हिसाब से। अगर ऐसे शनि की बात करें 5वें घर के शनि की, तो जीवन में बहुत बड़े झटके लेकर आता है 45 से लेके 48 ईयर्स के बीच में। ऐसे समय में हो सकता है इंसान का कारोबार डूब जाए, संतान को कोई प्रॉब्लम हो जाए, संतान के साथ हादसा हो जाए, कुछ इस तरह की दिक्कतें, या संतान के जीवन में कुछ संघर्ष या परेशानियां शुरू हो जाएं। हो सकता है उसकी मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाएं, डाइवोर्स, सेपरेशन या कुछ इस तरह की दिक्कतें जो संतान पक्ष को हानि पहुंचाने की चीज़ें होती हैं, वो सब शनि 5 के अनुसार देखी जाती हैं। चलिए शनि 6 यानी कि शनि 6ठे भाव के बारे में बात करते हैं। शनि 6ठे भाव में आप पॉजिटिव हैं तो क्या रिजल्ट देंगे? शनि पॉजिटिव होंगे कैसे? ये होंगे बुध के अनुसार। अगर बुध मान लीजिए कुंडली में अच्छे हैं
कहीं पर अच्छी स्थान पर पहुंचे हैं, सूर्य बुध के साथ पहुंचे हुए हैं, या फिर कहीं पाप प्रभाव से दूर हैं और बुध का असर सही है, बुध शुक्र से मिल रहे हैं, ये कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं। ऐसे फैक्टर्स के अनुसार अगर मान लीजिए बुध पॉजिटिव है तो यहाँ पर शनि के बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। व्यक्ति हमेशा अपने दुश्मनों पर विजय पाएगा, अपने कॉम्पिटिटिव एक जो उसके अंदर कैपेबिलिटी है उससे जीवन में काफ़ी कुछ हासिल करेगा। ऐसे व्यक्तियों को नौकरी मिलती है, ऐसे व्यक्तियों को सरकारी नौकरी मिलती है, ऐसे व्यक्तियों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सक्सेस मिलती है, ऐसे लोग स्पोर्ट्स वगैरह में हो तो काफ़ी अच्छा जीवन में नाम कमा लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। पर यहाँ पर थोड़ा सा एक शनि का एक तासीर यानी कि एक टेंडेंसी होती है, ये दुश्मनों पर तो विजय पा देता है पर इंसान को अगर बीमारी लग जाए तो बीमारी पर विजय नहीं मिलती है। यानी कि बीमारी शरीर में कुछ ना कुछ अगर है तो रहेगी, पर हाँ आपकी जान पर खतरा नहीं होगा, यानी कि शरीर हाजमा कमज़ोर रहेगा, कुछ ना कुछ छुटपुट दिक्कतें लगी रहेंगी, पर ये लीथल नहीं होती हैं, खराबी नहीं होती है। ऐसे व्यक्तियों को कर्ज नहीं होता है, कर्ज नहीं होता, ये शनि पॉजिटिव की निशानी है। ऐसे व्यक्ति नौकरी में सफलता पाते हैं, ऐसे व्यक्ति अपने विदेश संबंधी कोई काम करते हैं तो उसमें सफलता पाते हैं। अब कई लोगों का मान सम्मान यश धीरे धीरे बढ़ता है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप, तो शनि छः वालों के लिए जो उनका एक स्टेटस है वो धीरे धीरे बढ़ता है अगर वो सही मार्ग पर चलते रहें, एक बार फोकस होकर अपने डायरेक्शन में चलते रहें तो धीरे धीरे वो बढ़ जाते हैं, और एक बार बढ़ गए तो उन्हें कोई रोकने वाला नहीं होता। फिर वही चीज़ें होती हैं, यानी कि बाप दादा बिजनेस स्टार्ट करके गए, वही आगे संतान, वही आगे फैमिली चलाते रहते हैं, ट्रेडिशन ये चलता रहता है इनका। अब जीवन में कई बार तरक्कियां मिलती हैं व्यक्ति को, तो शनि छः वालों के लिए सबसे पॉजिटिव चीज़ ये होती है, सबसे पॉजिटिव निशानी ये होती है कि जब शनि छठे भाव में है और ऐसे व्यक्ति के बच्चा पैदा हो जाए, चाहे लड़की हो चाहे लड़की, लड़की है तो बुध है, लड़का है तो केतु है, केतु या बुध अगर ऑलरेडी पॉजिटिव है और संतान पैदा हो गए तो समझ लीजिए भाई उसी दिन से इन व्यक्तियों के दिन बदल गए, अच्छे दिन यहीं से शुरू हो जाते हैं। चलिए, अब शनि महाराज अच्छे रिजल्ट तो हर एक को देते नहीं, बुरे रिजल्ट भी देते हैं। अब शनि छठे भाव में है और आपके जीवन में बुरे रिजल्ट आ रहे हैं तो अब क्या रिजल्ट मिलेंगे? सबसे पहले तो ये बीमारी शरीर में रोग लगा के रखेंगे, इंसान को हाजमे की प्रॉब्लम ज़्यादा मिलेगी। कई लोगों की मैनेज हो जाती है, खा पी के सेट कर लेते हैं, पर ये लोग बहुत परेशान रहते हैं। और इसके साथ साथ व्यक्ति के जीवन में कर्ज बना रहता है, कर्ज से कभी मुक्त नहीं हो पाता, कुछ ना कुछ झंझट परेशानियां लगी रहती हैं। छठे भाव के शनि के बारे में एक बात ये भी कही गई है कि अगर शनि यहां पर बुरे हैं तो चोट आपकी डालेंगे मैरिड लाइफ पर, शुक्र के असर को ये ख़राब कर देंगे, और शुक्र यानी कि आपकी मैरिड लाइफ, आपका जीवन साथी, कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति मैरिड लाइफ की परेशानियों से जूझता रहता है। काम काज में अचानक से रुकावटें, चाहे बिजनेस हो चाहे जॉब हो, कुछ हो, कुछ ना कुछ झंझट लगे रहते हैं, कहीं नौकरी से निकाल दिया, कहीं फॉल्स एलिगेशन लग गए, कहीं आपकी सैलरी काट ली, कहीं कुछ कर दिया, ऐसी तरह से ये व्यक्ति परेशान होता रहता है। अगर फैक्ट्री है, कोई मशीनरी वगैरह लगा रखी है तो ऐसा व्यक्ति, मशीनें अक्सर उसकी ख़राब होती रहती हैं, कोई मोटर गाड़ी वगैरह का काम है, कुछ ऐसा मशीनरी टेक्निकल काम है तो उसमें खराबियाँ अक्सर आती हैं। और चलिए यहाँ पर एक टिप भी देता हूँ, अगर मान लीजिए आपका कोई मशीनरी का काम है और वो खराबियाँ आपको मिल रही हैं तो वहाँ पर अपनी मशीन के पास कोई खिलौना वगैरह रखिए, खिलौना यानी कि केतु की सपोर्ट देकर यहाँ पर आप अपनी मशीनरी को दुरुस्त रख सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही और जानकारियाँ जो शनि के अलग अलग भाव के अनुसार मैं लेकर और वीडियो में आऊँगा पार्ट बाय पार्ट। बाकी इन सभी वीडियोज़ की जानकारी, अगले या पिछले जो वीडियोज़ हैं उनकी सबकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए प्रोवाइड की गई है, इनको आप क्लिक करके देख सकते हो। बाकी मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।